अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कौफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आप सबको तो पता होगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खूबसूरती को देखना चाहते हैं पर देख नहीं पाते। पर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन खूबसूरतियों से वाकिफ भी हैं और उसे देख भी चुके हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आपको दुनिया की मुख्तलिफ जगहों को दिखा दूं और दिखाने के साथ साथ आपकी तालीम में भी कुछ अल्फाज ज्यादा कर दूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्रीज के बारे में, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, पहले एराजी के बारे में बता देता हूँ और फिर बाद में आबादी के हिसाब से भी बता दूंगा। 10वें नंबर पे आता है सूडान। सूडान जो कि अफ्रीका में पाया जाता है और ये 10वें नंबर पे दुनिया में एराजी के हिसाब से बड़ा मुल्क है। 9वें नंबर पे आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम मुल्क है और ये मुसलमान मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि दुनिया के काउंटडाउन लिस्ट पे 9वें नंबर पे आता है। दोस्तों, 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों, 7वें नंबर पे आता है हमारा परदेसी मुल्क इंडिया। इंडिया जो कि एशिया में पाया जाता है और इंडिया में एक दुनिया का अजूबा भी है जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। वैसे दोस्तों, आज आपके लिए एक मैं सवाल भी लाया हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मुल्क है या फिर बराए आजम, जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वैसे दोस्तों, फुटबॉल टीम्स में ब्राज़ील की टीम मेरी फेवरेट टीम है। आपकी कौन सी टीम है और कौन सा प्लेयर फेवरेट है, जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 4थे नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और दोस्तों, यूएसए में भी एक दुनिया का अजूबा है जिसको स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना जो कि एशिया में पाया जाता है। वैसे यार, चाइना हमारा वैसे ही एक बेस्ट फ्रेंड कंट्री है, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। और फ्रेंडशिप का एक बड़ा मिसाल सीपेक आप लोगों के सामने है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। दोस्तों, कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और ये यूएस और कनाडा के दरमियान ऐसे हैं जैसे हमारा मुल्क और इंडिया के दरमियान सिर्फ एक बॉर्डर का फर्क है। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है रशिया। दोस्तों, रशिया जो कि यूरोप और एशिया दोनों के दरमियान में है और जो कि दुनिया का एराजी के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे बड़ा मुल्क बन गया है। तो दोस्तों, अब ये लिस्ट थी वर्ल्ड के कंट्रीज बिगेस्ट कंट्रीज के बारे में जो कि एरिया वाइज बड़े थे। तो दोस्तों, अब ये लिस्ट उन कंट्रीज के बारे में है जो आबादी के हिसाब से बड़े हैं। जापान जो कि 128 मिलियंस के साथ 10वें नंबर पे एशिया में पाया जाता है। रशिया जिसकी आबादी 142 मिलियन से और जो के 9वें नंबर पे आता है। नाइजीरिया जो के अफ्रीका में पाया जाता है और जिसकी पॉपुलेशन 155 मिलियन से और ये 8वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। दोस्तों, 6ठे नंबर पे आता है हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसकी आबादी 167 मिलियन से। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है और जिसकी पॉपुलेशन 191 मिलियन से। इंडोनेशिया जो कि एक मुसलमान मुल्क है और 230 मिलियन की आबादी रखता है और वो 4थे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है यूएसए। यूएसए जो कि 306 मिलियन की पॉपुलेशन रखता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया जिसकी पॉपुलेशन
1,161 मिलियन से, और दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क आबादी के हिसाब से। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना जिसकी पॉपुलेशन 1,335 मिलियन से, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है आबादी के हिसाब से। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, दोनों ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को।